आज की एक्सरसाइज इतनी आसान है कि इनको कोई बच्चा भी कर सकता है। मुझे पता है आज के टाइम पे हर कोई अपने बेली फैट को, अपने कमर के फैट को लेके बहुत ज्यादा परेशान है। हर कोई सोचता है कि इनको कोई एक जादू की पुड़िया मिल जाए जिसको करके वो रातों रात अपने वजन को कम कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मैं कोई जादू की पुड़िया देने नहीं आई हूँ, मैं आप लोगों को इतनी इंटरेस्टिंग, इतनी अमेजिंग एक्सरसाइज देने आई हूँ उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जो ज्यादा सिलकुद नहीं कर सकते हैं और ज्यादा हार्ड वाले एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो आप इन एक्सरसाइज को करके अपने बहुत सारे वजन को कम कर सकते हैं, स्पेशली अपने बेली फैट को और अपने कमर के फैट को। साथ ही साथ मैं आप लोगों को दूंगी दो ऐसे टिप जिनको करके आप अपनी पूरी बॉडी को हेल्दी बना सकते हैं और अपनी पूरी बॉडी के फैट को भी कम कर सकते हैं। तो टिप से शुरुआत करते हैं। जैसे एक बहुत ज्यादा गंदी नाली होती है जिसको साफ करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, अगर आप उसमें पानी डाल देंगे ना तो वो सारा कूड़ा करकट उसका बह जाएगा और वो क्लीन हो जाएगी। सेम वैसे ही आपको अपनी बॉडी को अंदर से क्लीन करने की काफी ज्यादा जरूरत होती है और उसे क्लीन करने के लिए सबसे बड़ी हेल्प करता है आपकी लेमन, क्योंकि लेमन आपकी बॉडी को अंदर से क्लीन करता है, बिल्कुल रगड़ रगड़ के आपका जितना मैल उसको निकालता है। तो जब भी आप दिन में उठते हैं, सुबह उठते हैं, तो दिन की शुरुआत हमेशा लेमन पानी के साथ करनी है। आपको एक गिलास गुनगुना पानी लेना है, उसमें आधा लेमन निचोड़ देना है, उसको गुट पे करके आराम से बैठ के पी लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम तो कम होगी होगी, साथ में आपका वजन भी कम होना शुरू हो जाएगा। सेकंड टिप उन लोगों के लिए है जिनको बार बार भूख लगती है, जो अपने भूख पे कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं, जिनको ज्यादा खाना खाने की वजह से मोटापा आ गया है। तो आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग जो खाना है वो पता क्या है, ओट्स और दलिया। ये दोनों ऐसे खाने हैं जिनको खा के आपका पेट पूरा दिन भरा रहता है। इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, आपकी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने में ये आपकी हेल्प करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब भी आप ओट्स या दलिया खाते हैं, इनको आप दो फॉर्म में बना सकते हैं, नमकीन फॉर्म में भी बना सकते हैं और स्वीट फॉर्म में भी। कैसे? इसमें बहुत सारी सब्जियां ऐड करके आप इसको चावल की तरह बना के खा सकते हैं। सेकंड, इसमें बहुत सारा दूध डाल के इसमें फ्रूट कट करके, जैसे कि लाइक बनाना, एप्पल, या फिर आप इसमें हल्का सा गुड़ डाल सकते हैं टेस्ट के लिए, या फिर हल्का सा आप ब्लैक पेपर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो किसी भी फॉर्म में खाइए। इसको खाने के बाद 3 या 4 घंटे के लिए आप भूल जाइए कि आपको भूख भी लगेगी। तो जिन लोगों को भूख लगती है वो ये वाले टिप जरूर अपनाइएगा। फर्स्ट टिप भी आप अपना सकते हैं। और अब देखते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज। तो गाइस, एक्सरसाइज करने के लिए आपको इस तरीके से पलाते लगा के बैठ जाना है, बिल्कुल आराम से, बिना किसी स्ट्रेस के। आपको हाथ इस तरीके से फैला लेने हैं और पहले एक हाथ जमीन पर टच करना है, फिर आपको दूसरा हाथ जमीन पर टच करना है। इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। अब मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूंगी कि आपको इसके कितने सेट करने हैं या फिर एक सेट में आप कितनी बार कर सकते हैं। टोटली आपकी चॉइस है, आपका जितना स्टैमिना है आप उतना इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आप चाहें तो 5 मिनट एक एक्सरसाइज को दे सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से अगर आप करते हैं ना, तो आपकी जो बॉडी है वो मूवमेंट करती है आपके बैली से और आपकी कमर से। आप देख सकते हैं मेरी बॉडी मूवमेंट कर रही है, जिस तरीके से मैं यहाँ पे हिल रही हूँ, तो सारा प्रेशर जो है वो बैली पे जा रहा है या फिर कमर पे जा रहा है ना। तो इस तरीके से अगर आप एक्सरसाइज करेंगे ना, तो आपका जो आर्म फैट है वो भी धीरे धीरे करके रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। यह है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। आपको सिर्फ मूवमेंट करनी है आपके हाथों के साथ में। अगर आप थोड़ा सा अपना डाइट को भी चेंज कर लेंगे ना, तो ये सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। इससे आपको ज़्यादा असर और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको टच एंड टच एंड टच, अगर आपको लगता है कि आप बिगनर हैं और आपको हल्का सा पेन होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे, तो आप 10 सेकंड का रेस्ट यहाँ पे ले सकते हैं। 10 सेकंड का रेस्ट लिया, उसके बाद फिर से हाथ फैलाएं और उसके बाद आपने फिर से ये वाली जो एक्सरसाइज है ये करना शुरू कर देंगे। ओके, बहुत अमेजिंग एक्सरसाइज है। बिल्कुल अच्छे से अपनी कमर को हिलाना है, बिल्कुल अच्छे से मूवमेंट करनी है। जितना आप अच्छे से करेंगे उतना ही अच्छे से आपका जो फैट है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। और जो स्टार्टिंग वाले 2 टिप मैंने आप लोगों को दिए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं सुना है ना, तो प्लीज़ जाइए उनको अच्छे से सुनिए। बहुत ही कमाल के टिप हैं जिन लोगों को खासकर बहुत ज़्यादा भूख लगती है, या फिर जिन लोगों को लगता है कि उनको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी वो दोनों टिप आपकी हेल्प करेगी। तो अगर आपने आगे वाला वीडियो स्किप किया है ना, तो जाइए उस वीडियो को देखिए और दोनों टिप को भी सुनिए, आपके ही काम आएंगे और इन एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी। ओके, तो सेकंड एक्सरसाइज के लिए आप तैयार हो जाइए। सेकंड एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से करना है। आपको एक हाथ यहाँ पे रहेगा, एक हाथ यहाँ पे जाएगा और फिर घुटने पे आएगा हाथ, ऐसे इस तरीके से। अगर हम इस तरीके से कर रहे हैं ना, तो आपका ये वाला जो एरिया है ये मूवमेंट कर रहा है साथ के साथ में। आप देखिए इस तरीके से है ना, तो इस तरीके से पहले आप आराम से कर सकते हैं, फिर आप मतलब कि फास्ट कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से अगर आप पूरा जितना हो सके उतना आपको आपका जो शोल्डर है इस तरीके से पीछे लेके जाना है, इस तरीके से पीछे लेके जाना है, पीछे लेके जाना है। अगर आप इन एक्सरसाइज करते करते आपको आदत हो जाए ना, तो आप फिर धीरे धीरे करके जो हार्ड वाले एक्सरसाइज है ना उनको शुरू कर दीजिएगा। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत इजी इजी एक्सरसाइज दे रही हूँ, खास करके जो हमारी हाउसवाइफ है ना
तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि बहुत आसान सी एक्सरसाइज दूंगी, इन एक्सरसाइज को करके है ना आप डेफिनेटली ये वाला एरिया और ये कमर वाला एरिया तो आपका बिल्कुल पतला होने वाला है। तो इस हाथ के साथ हो गया, अब आपको इस हाथ के साथ करना है इस तरीके से, जितना हो सके उतना पीछे। आपको सामने देखना है, सिर्फ मूवमेंट करेगी आपकी कमर या फिर आपका हाथ, तो इस तरीके से आपको करना है। तो बहुत आसान एक्सरसाइज है, कोई बच्चा भी इनको कर सकता है, इतनी आसान एक्सरसाइज है। और ये मत सोचना कि इनको करने से क्या रिजल्ट मिलेगा, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर आप कंटिन्यूटी में रेगुलरिटी में इसको करेंगे ना तो आपको रिजल्ट मिलना निश्चित है। आप इनको करिए, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और जैसे मैं बार बार बोलती हूँ कि हल्का सा अपनी डाइट को चेंज कर दीजिए, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं या फिर शुगर ज़्यादा खाते हैं या फिर नमक ज़्यादा खाते हैं, तो क्योंकि वो आपकी बॉडी में क्या करते हैं, शुगर और नमक पानी बनाते हैं, उसका फैट को इकट्ठा कर देते हैं आपकी बॉडी के अंदर, और जिसकी वजह से आप मोटे होना शुरू हो जाते हैं। खास करके हमारा जो बैली होता है ना और जो कमर का फैट होता है वो सबसे लास्ट में जाता है और बहुत मेहनत के साथ जाता है। तो अपने बैली को और अपनी कमर को बढ़ने ही नहीं देना है। जैसे भी आपको लगे ना कि आपका थोड़ा सा ही वेट बढ़ गया है, 1 किलो 2 किलो, तो तभी के तभी उसको कम करने की कोशिश कर दीजिएगा। अगर आप लेट हो गए ना तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ने वाली है डेफिनेटली। तो ये थी हमारी, कौन सी एक्सरसाइज थी, ये हमारी सेकेंड एक्सरसाइज, ओके, जो कि बहुत ज़्यादा आसान थी। अब हम करेंगे हमारी तीसरी एक्सरसाइज। अब आप ये मत सोचना कि मेरा सिर्फ इतना फेस दिख रहा है, एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से जाएगा आपका जो हाथ है पीछे वाला, वो जमीन पर टच करेगा इस तरीके से, इस तरीके से। आपको एक सर्कल बनाना है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से बैठे बैठे। हम यहाँ पे अपना कुछ नहीं हिला रहे हैं, मतलब टांग नहीं, कुछ नहीं, हम उछल नहीं रहे हैं, कूद नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं जो हमारी बैली को और अपने कमर के फैट को कम करेंगी, ओके। तो इस तरीके से बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज है। आपके पूरे कमर और आपके पेट को जो फैट है ना उसको बिल्कुल निचोड़ के रख देगी अगर आप ये वाले एक्सरसाइज करेंगे तो। तो जैसे मैंने बताया कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप 4 सेट करेंगे 5 सेट करेंगे, जितना आपका स्टैमिना है उतने सेट कर लीजिए। अगर फिर भी आप मुझे पूछना चाहते हैं कि मैं बताऊँ आप लोगों को आपको कितने सेट करने हैं, तो आप 4 सेट कर सकते हैं और 1 सेट में आप 20 बार तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको ही फायदा होगा, आपका ही फैट कम होगा, आपकी ही टम्मी पतली हो जाएगी और आप ही खूबसूरत दिखेंगे। तो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, ओके। तो ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज, बहुत आसान एक्सरसाइज है, बहुत आसान कि कोई बच्चा भी इनको कर ले, इस तरीके से और ये इस तरीके से, ओके। तो हमारी कितनी एक्सरसाइज हो गई, हमारी 3 एक्सरसाइज हो गई है। तो हमारी लास्ट 4th एक्सरसाइज, और जिसको करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ इस तरीके से हाथ नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। तो गाइस बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, प्लीज़ इनको करिएगा और आपका जो भी फीडबैक है मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ये था आज का छोटा सा प्यारा सा वीडियो, आशा करूंगी कि हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मजेगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय।